Why is it that Pakistan has suddenly awoken up and has raised the ante on Article 370? It is because this illegal territory which has been occupied by Pakistan, illegally occupied by Pakistan, is not controlled by the Pakistani establishment. It is controlled by terrorists. POK is actually a terrorist-controlled country or a terrorist-controlled part of Pakistan. सेना प्रमुख के इन बातों से पाकिस्तान को मिर्ची लग गई। मिर्ची पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता उलूल जुलूल बयान देने लगे, फर्जी बातें लिखने लगे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने और पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों पर भारतीय सेना की कार्रवाई से पाकिस्तान इस कदर चिढ़ा हुआ है कि फेक न्यूज के सहारे वह अपने देश को आश्वासन दे रहा है। पाकिस्तान की बौखलाहट का आलम यह है कि सेना पर हर दिन सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है और आतंकियों को भारत में घुसपैठ करवाने की नापाक कोशिशें करने में जुटा है, लेकिन भारतीय सेना की तत्परता से उसके होश उड़े हुए हैं। इसी कड़ी में पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता आसिफ गफूर ने ट्वीट कर कहा, लाइन ऑफ कंट्रोल में फायरिंग के दौरान पाकिस्तानी सेना ने 7 से अधिक भारतीय सैनिकों को मार गिराया था। आसिफ गफूर ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने सीमा पर फरवरी से अब तक 60 सैनिकों को मारा है। गफूर ने कहा कि 27 फरवरी को पाकिस्तानी वायुसेना ने 2 भारतीय वायुसेना को मार गिराया था, जबकि सच्चाई यह है कि भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान को उस वक्त से लेकर अब तक भारी नुकसान हुआ है, जिसके बाद से ही दोनों देशों के बीच तनातनी का माहौल है।